हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दोस्तों, स्वागत है सभी का डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सुपर फास्ट रिवीजन की ये क्लास नंबर 11 है। इससे पहले 10th क्लास अपलोड की जा चुकी है। यदि आप लोगों ने वह नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उसमें कराए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री स्पेशली हमारा वीडियो है। कुल मिलाकर 18 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके अलावा आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डेली पोस्ट किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन है आपका 1 + tan A का होल स्क्वायर प्लस 1 - tan A होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप दो प्रकार के इसको सॉल्व कर सकते हैं। सीधा सीधा आप इसका फॉर्मूला खोलिए तो ये हो जाएगा आपका 1 + tan² A प्लस ये हो जाएगा 2 tan A, ठीक है। प्लस आगे देखेंगे यहाँ 1 - tan² का फार्मूला खोलेंगे 1 + tan² A और ये हो जाएगा इधर आपका 2 tan A, ठीक है। अब 2 tan A से 2 tan A आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, इधर 10² A 10² A प्लस 2 tan² A हो जाएगा और यहाँ पर 2 यदि हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + tan² A। अब मुझे ज़रा एक बात बताइए, sec² A - tan² A ये आपका 1 के बराबर होता है। sec² A - tan² A 1 के बराबर होता है। अब यदि हम sec² A इधर रख दें तो इधर कितना हो जाएगा 1 + tan² A, ठीक है। तो यानी कि 1 + tan² A की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 sec² A। राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 sec² A। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए वाला आपका इसमें बिल्कुल सही होता है। जैसे ही क्वेश्चन लगाया करें आप वीडियो को पॉज करके खुद करने का प्रयास करें, उसके बाद वीडियो का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 3 cos² 60 प्लस 2 cot² 30 माइनस 5 sin² 45 की वैल्यू कितनी होगी। बहुत सिंपल सवाल है। यहाँ पर cos 60 की वैल्यू हमें पता है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 का कर देंगे स्क्वायर प्लस 2 cot 30। cot 30 की वैल्यू यदि आपको नहीं पता है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, cos 30 अपॉन कितना हो जाएगा sin 30, ठीक है। अब भैया cos 30 कितना हो सकता है? cos 30 होता है आपका √3/2, ठीक है। sin 30 कितना होता है? 1/2। तो भैया 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, cot 30 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी √3 आ गई, जो √3 का स्क्वायर हो गया। माइनस 5 sin 45 का वैल्यू हम सब जानते हैं 1/√2 होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर हो गया। तो बस कुछ नहीं करना है, गुणा करेंगे यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 2 √3 हो जाएगा इन माइनस 5 1/2 हो जाएगा। तो 3/4 प्लस 6 - 5/2 सॉल्व करेंगे, 4 LCM लेंगे यहाँ पर, 3 - प्लस का हो जाएगा 24, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 10। यहाँ क्या बचेगा आपका 24 - 10 कितना हो गया 14, 14 प्लस ये क्या हो गया 17/4। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला भी राइट आंसर होगा, 17/4 विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड सेज दैट cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30। देखिए इस प्रकार के यदि आपको क्वेश्चन मिलता है तो मैं आपको 2-3 फॉर्मूले बताता हूँ। देखिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला शायद आप कुछ लोगों को आपको पता भी होगा, प्लस बी का फार्मूला होता है आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और ये आज फार्मूला है आपका कॉस ए माइनस बी का, मैं फार्मूला आपको बताता हूँ। कॉस ए माइनस बी होता है आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए और साइन बी। आगे देखेंगे यहाँ पर ये होता है आपका कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो बस यहीं पर आप क्या देख रहे हैं, यही सिचुएशन यहाँ पर दी हुई है। ए की जगह आपको 16 दिखाया है, बी की जगह 30 है, ए की जगह यहाँ पर 60 है, बी की जगह यहाँ पर 30 है। बस फॉर्मूला आपका यहाँ पर लगाना है कॉस ए प्लस बी, यानी कि 60 + 30 हो जाएगा। कॉस 60 + 30 कितना होता है? कॉस 90 होता है। कॉस 90 होता है तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? देखिए साइन 0 का मान 0 होता है,
साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो बस कॉस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, और कॉस 90 का मान क्या होता है यहाँ पर 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ऑप्शन राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला, कॉस 90 इज इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका sec स्क्वायर 60-1। दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट वैल्यू रख दें हम इसकी cos 60 की, तब भी आपका आंसर यहाँ पर निकल जाएगा, या फिर हम दूसरा मेथड अपनाते हैं जो कि एक प्रगुण होता है। अब टर्म क्या होती है आपकी, मैंने पहले भी बताया था आपको अभी, तो ये होता है आपका sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर किसके होता है 1 के। अब यहाँ पर देखिए मैं a को 60 लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है sec स्क्वायर 60-1, इस 1 को हम इधर ले आए और इधर tan स्क्वायर a की जगह हम फिर लिख देंगे 60, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर बन गई, यानी कि हम tan स्क्वायर 60 लिख लिया हमने यहाँ पर। अब tan 60 की वैल्यू सभी को पता होगी, tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया आपका 3 आ गया, इधर उधर कितना है आपका sec स्क्वायर 60-1। तो बस देखिए क्वेश्चन भी यहीं पर बन गया और आंसर भी यहीं से बन गया, sec स्क्वायर 60-1 इज इक्वल टू 3, यानी कि इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और ऑप्शन में दिया हुआ है आपके ऑप्शन नंबर बी वाला। वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर देखिए इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ए ये है और बी ये है। तरीका आप देखना है यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, प्लस ये वाला साइन है प्लस का, साइन ए माइनस कॉस ए यानी कि ए माइनस बी, तो बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इससे माइनस 2ab से 2ab कैंसिल, प्लस का ये प्लस ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे एक बार बताइए, a बराबर हमने साइन ए माना था, b बराबर कॉस ए माना था, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दें हम, तो इसकी रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा कर दिखा रहा हूँ, कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 2 × 1 2 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आप एक सेकंड में इसको सवाल कर सकते थे, देखते ही आपका आंसर इसमें आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, साइन स्क्वायर 30 प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60। बस वही मेथड है इसका, सेम है, मान रख देंगे इसकी वैल्यू, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपका, साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 × cot 45, cot 45 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, cos 45 अपॉन कितना हो जाएगा साइन 45, और साइन 45 cos 45 बराबर वैल्यू बराबर होती है अर्थात 1 आ जाएगा, ठीक है। तो cot 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, माइनस sec स्क्वायर 60, भैया sec स्क्वायर 60 की वैल्यू जिसको नहीं पता है मैं बता रहा हूँ, sec स्क्वायर 60 की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 1/cos² 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, ठीक है, 1/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ऊपर जाकर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो sec स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया। आगे देखते हैं, 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 2^2 हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा 1/4। 5 सेकंड के सभी क्वेश्चन हैं ये, 5 सेकंड से ज़्यादा आपको इसमें जो है वो नहीं लगने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, 10 60-10 30/1 प्लस 10 60-10 30। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, इस सवाल को इस प्रकार से है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, 10 60-10 30 अपॉन में इसके दिया है 1 - 1 + 10 60-10 30। तो मुझे यहाँ ध्यान दीजिएगा, tan a माइनस b का एक फॉर्मूला होता है, tan a माइनस tan b अपॉन होता है 1 + tan a tan b। तो बस यहीं पर ये फार्मूला बना हुआ है, a की जगह 60 है, b की जगह 30 है, सेम एज नीचे की कंडीशन दी है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, tan 60-30। तो बस क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, tan कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा,
10:30 की वैल्यू होती कितनी है, 1/√3। एकदम आंसर आपका आ गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने लोगों ने इसका सही आंसर दिया कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। दो फॉर्मूले हैं, दो ट्रिक हैं सवाल को ज्ञात करने की। अच्छा सवाल है, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक ही यदि आपको एक फार्मूला याद होगा तो आप कितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो कर पाते हैं। देखिए 100 n बराबर क्या दिया है यहाँ पर, जो भुजाओं की संख्या दी है n बराबर 100 है। विकर्ण यदि पूछा जाए तो विकर्ण होते हैं आपका NC2, ठीक है। विकर्णों की संख्या कितनी होती है, NC2, तो बस 100C2 हो गया। फैक्टोरियल 100/फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 2, और फैक्टोरियल 100-2 यानी कि फैक्टोरियल 98 हो जाएगा। क्या बचेगा आपका, 99 × 100/2 बचेगा, 2 से 50 बार कैंसिल कर लेंगे कितना आ जाएगा, 50 के 99 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4950। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी वाला। दूसरा तरीका मैं आपको और बता दूं, यदि आपको ये सॉल्व नहीं करना है, फैक्टोरियल नहीं आता है, दूसरा तरीका क्या है, आपको एक फार्मूला है n n-1/2, डायरेक्ट फार्मूला है ये n n-1, 100 × 100-1/2 क्या हो जाएगा 2, तो ये कितनी बढ़ गया 50 बार, और ये कितना हो जाएगा आपका 50 × 99। वैल्यू क्या जाएगी आपकी, 4950 विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 4950 विकर्ण होंगे 100 भुजाओं वाले बहुभुज में। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 cos² 60 + 3 sin² 45 - 3 sin² 30 + 2 cos² 90। सीधा सीधा वैल्यू रखेंगे, 2 × cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, कम से कम साइन और कॉस की तो आप याद करेंगे ही करेंगे। देखिए कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जो साइन 30 की वैल्यू होती है यानी कि 1/2² प्लस आपका 3 × sin 45, sin² 45 1/√2 होती है वैल्यू, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस आपका 3 × sin² 30 यानी कि 1/2 की पावर क्या हो जाएगा 2, प्लस 2 × cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो यहाँ देखिए 2 × ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस हो जाएगा 3 × 1/2 हो जाएगा माइनस 3 × 1/4 प्लस क्या हो जाएगा 0। यहाँ देखेंगे 2 × 2 = 4, 3/2 और 3/4 एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, 4 एलसीएम है, तो यहाँ देखेंगे 2 × 2 = 4 यानी कि 2 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 6, और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 3, 6 − 3 = 3 × 2 = 5 यानी कि 5/2 कितना आ जाएगा 4 आ गया। सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 = 1/4, 1 सही 1/4 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी वाला आपके समय बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी सही है, 1 सही 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 sin 2a = √3 हो तो a का मान कितना होगा। देखिए 2 sin 2a दे रखा है आपका, तो हम 2a बराबर क्या हो जाएगा, √3/2, हमने 2 को उसके मल्टीप्लाई अपॉन में पहुंचा दिया। अब भैया ये बताइए मुझे, रहा साइन 2a बराबर कितना होता है, sin√3/2 किसकी वैल्यू होती है, हमें पता है sin 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो भैया आपका कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पर 2a है कौन, यहाँ पर 60 है, 2a बराबर हो गया 60, तो a बराबर कितना हो गया आपका 30। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11, cot 60 cot 48 cot 42 और cot 60 cot 74, इस वाले cot को हम 10 में बदलेंगे, तो उसको क्या 10 में क्या लिख सकते हैं, हम cot 90 − 74 लिख सकते हैं इसको, cos 16 को, या इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर cot 90 − 42 लिख सकते हैं। आगे क्या हो जाएगा, ये cot 42 हुई है, ठीक है, cot 42 into ये आगे कितना है cot 60, cot 60 into इसको हम ऐसे लिख देते हैं cot 74। अब मुझे ये बताइए cot 90 − θ, 90 − 74 कितना हो जाएगा 1074, ठीक है, ये कितना हो जाएगा cot 90 − 42 1042, ठीक है। आगे कितना है cot 60,
आगे आपको दिया है कॉट 74। देखिए 1074 से कॉट 74 कैंसिल, 1042 से कॉट 42 कैंसिल, बच्चा आपके पास कॉट 60। कॉट 60 की वैल्यू आपको तो पता ही होगी, कॉट 60 की वैल्यू इसको नहीं पता है कैसे निकाल सकते हैं। कॉट 60 अपॉन साइन 60, कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका पास 1/√3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1/√3 आपकी जो है वैल्यू आ जाएगी कॉट इस पूरे जो क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, कॉट स्क्वायर 30 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 30 माइनस 3/4 sec स्क्वायर 45 प्लस 1/4 cos स्क्वायर 30। सीधा वैल्यू रखेंगे cot स्क्वायर 30, cot 30 का मान कितना होता है, अभी हमने पीछे निकाला था cot 60 की वैल्यू थी 1/√3 और cot 30 क्या हो जाएगी आपकी √3, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू cos 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसका भी स्क्वायर माइनस 3 × 3/4 sec 45। अब देखिए cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये √2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/4 cos स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो cos स्क्वायर की क्या होगी 2 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 3/4 कितना हो गया 4 माइनस 3/4 इंटू 2 प्लस हो जाएगा 1/4 इंटू 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया आपका, 2 × 2 = 4, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वाला भी एलसीएम आपके पास आएगा 2, ऊपर आएगा 6 माइनस 3 माइनस 3, आगे क्या हो जाएगा प्लस का 1 है इधर, तो प्लस आपका 2 हो जाएगा, देखेंगे से तो आपका 6 कैंसिल हो गया आपका, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 1। आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सी सही है, ऑप्शन नंबर सी 1 आंसर आएगा आपका इस पूरे क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सेक्स 29 अपन कॉसेक 61 माइनस 3 साइन स्क्वायर 59 प्लस साइन स्क्वायर 31। आगे देखेंगे 50 किसी प्रकार से दिया हुआ है 10 का, सेक 29 को देखेंगे किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। सेक 29 को हम क्या ले सकते हैं, सेक 90 माइनस 61 अपॉन में कितना है कॉसेक 61 माइनस 3 और ब्रैकेट में कितना है साइन स्क्वायर 59। देखिए साइन स्क्वायर को हमको क्या ले सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर 59 मतलब 90 माइनस 30 31 ले सकते हैं, प्लस आपको साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 31 प्लस 2/3 10 27 यही दिया हुआ है, 1027 को हम क्या ले सकते हैं 90 माइनस 63 और आगे दिया हुआ है हमारे पास 1060 और 1063। यहाँ देखेंगे, देखिए sec 90 माइनस 61 किसके बराबर होगा cosec 61, नीचे क्या दिया है cosec 61 माइनस 3, यहाँ कैसे हो जाएगा sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 31 प्लस sin स्क्वायर 31, आगे क्या होगा 2/3 90 माइनस 63, तो ये हो जाएगा cot 63, ठीक है cot 63 इंटू 1060 और यहाँ पर 10 कितने हो जाएगा 63, 1063 से cot 63 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1-3 प्लस हो जाएगा आपका 2/√3 इंटू 1060 की वैल्यू कितनी होती है आपकी √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, कहने का अर्थ होगा 2 आगे बचेगा क्या आपके पास 2 और 1 3 माइनस 3 कितना बचेगा आपके पास 3-3 कैंसिल हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। कितना भी बड़ा सवाल हो आपके पास आपको बस केवल लॉजिक लगाना है, वैल्यू पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, साइन 50 प्लस ए माइनस कॉस 40 माइनस ए किसके बराबर होगा। देखिए
साइन 90 माइनस, हम इसको पूरे को माइनस करते हैं, ये पूरा एक कोण है 90 माइनस, सॉरी माफ़ कीजिए, हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं जो कि हमारे पास यही आ जाए। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 40 माइनस ए, हमें आप ध्यान से देखिए ज़रा, यही आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास पूरा यही आ जाएगा। आप देखते हैं आगे क्या दिया है आपके पास, माइनस का कॉस 40 माइनस ए। अब यहाँ देखिए आप साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, आप यहाँ ऐसे देख कर लीजिए इसको, 40 माइनस ए अंदर ब्रैकेट में 40 माइनस ए। साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी कि कॉस 40 माइनस ए, ठीक है, माइनस कितना है आपका कॉस 40 माइनस ए, बस कॉस 40 माइनस ए प्लस का है, कॉस 40 माइनस ए माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू हो जाएगी आपके पास जीरो, और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, सेम एज है आपके पास, दोबारा अब इसके कराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको दो फार्मूले जो बताए थे पिछले दो दूसरे तीसरे क्वेश्चन में, उन्हीं दो फार्मूलों पर बेस्ड है, एक ही फार्मूला लगेगा इनमें से। देखिए आप साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला किसका होता है, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास साइन ए बराबर रूट तीन अपॉन टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइन ए इज इक्वल टू रूट थ्री अपॉन टू। यहाँ पर देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपको करने हैं तो बस एक ट्राइंगल बना लीजिए, ये आपकी ए वैल्यू हो जाएगी, लंब बटे कर्ण, यानी कि कितना हो जाएगा लंब, कर्ण कितना हो जाएगा ये, ठीक है, आधार निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आधार आपका एक हो जाएगा, ठीक है। अब आप वैल्यू पूछिए आपसे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो बस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए की वैल्यू तो उसके उल्टा हो जाएगा, यानी कि टू बाई रूट थ्री, ठीक है, प्लस कॉट ए, कॉट ए आपको एल ए एल अपॉन के ए याद होगा, तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक और यानी कि आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार कितना है यहाँ पर वन, लंब कितना है वन अपॉन थ्री, यानी कि वन अपॉन रूट थ्री हो गया। रूट थ्री आप यदि यहाँ पर आंसर लेंगे ऊपर क्या आ जाएगा आपका थ्री अपॉन रूट थ्री, और तीन से रूट थ्री से ऊपर जो है वो रूट थ्री बार कैंसिल हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला, बिल्कुल आपका राइट आंसर तो उसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेन थर्टी कॉसेक थर्टी कॉसेक सिक्सटी प्लस टेन सिक्सटी सेक थर्टी, तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है आपकी वन अपॉन रूट थ्री, कॉसेक सिक्सटी की वैल्यू, साइन सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है रूट तीन बटे दो, तो दो बटे रूट तीन हो जाएगा, प्लस साइन सिक्सटी टेन सिक्सटी की वैल्यू आपकी रूट तीन इंटू कॉसेक थर्टी, सेक थर्टी की वैल्यू होती है आपकी दो बटे रूट तीन, ठीक है, सेक थर्टी की वैल्यू दो बटे रूट तीन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका, नीचे यहाँ पर ये हो जाएगा टू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।